गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस गेम ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से साइक्लॉइड ड्रॉ कीजिएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्ट ए साइक्लॉइड फॉर ए जेनरेटिंग सर्कल ऑफ डायमीटर 50 mm, डायमीटर 50 mm दिया हुआ एंड सर्कमफ्रेंस 157 mm, ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे आपको क्या करना है, नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमारा दिया हुआ है डायमीटर जो दिया हुआ है वृत्त का वो 50 mm, डायमीटर हमारा 50 mm दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर 50 mm दिया हुआ है तो रेडियस 25। तो 25 mm का हम पहले मेजर कर लेते हैं, ठीक है। 25 का हमने मेजर कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा। ये देखिए, मैं कुछ सेंटर यहाँ मानता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। सॉरी, कुछ इस तरह सर्कल हमारा ड्रॉ होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका एक बेस दे दूंगा, ठीक है, सेंटर से होते हुए सर्कल के एक बेस दे दूंगा। तो ये मैं बेस दे दिया। अब क्या करना है आपको, आपको या तो इसे आप 12 भाग में बांटिए या आप इसको 8 भाग में बांटिए, ठीक है। तो हम इसे 8 भाग में बांटते हैं, ठीक है। 8 भाग में बांटने के लिए हम क्या करते हैं, 45 का डिग्री का एंगल लेते हैं। तो 45 कुछ यहाँ हो गया, 45 फिर 90 इधर हो गया, फिर इधर से 45, ठीक है, मैंने ले लिया। उसके बाद क्या करूँगा, मैं इंच लूँगा और सेंटर से होते हुए, ठीक है, सेंटर से होते हुए इसे मिला दूंगा। याद रखिए, ये सेंटर से होते हुए जाएगा ये, ठीक है। तो एक बिंदु यहाँ था 45 डिग्री का, एक बिंदु यहाँ था 45 डिग्री का। तो कुछ इस तरह से ये मैंने 8 भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास देखिए क्या सबसे बड़ी बात यहाँ पे, ये सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी होता है क्या, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ नहीं रहता है। तो सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 पायर। सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि होता है, ठीक है, परिधि क्या होता है, 2 पायर। तो 2 × 10/7/7, पाई का मान 10^7 होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इंटू आर, आर कितना दिया हुआ है 25, तो 25 इसको जब आप सोल्व करिएगा तो 157.14 समथिंग आएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 157 ही सिर्फ लेना है, ठीक है। आपको कितना लेना है फ्रेंड्स, 157 पॉइंट के बाद आप इसको छोड़ दीजिए, अप्रोक्स में आप इतना लीजिए, लगभग में इतना लीजिए आप, ठीक है। तो उसके बाद क्या कीजिए आप, ये सर्कल के हॉरिजॉन्टल में जो सर्कल है, सर्कल जो हॉरिजॉन्टल में बेस लिया था उससे मैं क्या करूँगा, नीचे एक सर्कमफ्रेंस ड्रॉ करूँगा। सर्कमफ्रेंस की कितना दिया हुआ है, 157 वट दिया हुआ नहीं रहेगा, तो हम कैसे निकालेंगे, 2 पायर करके निकाल लेंगे। तो 157 मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, याद रखिएगा ये इसके पैरेलल होना चाहिए, इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, है ना। तो ये मैं इसके लाइन देखिए रोल एंड रो से इसके पैरेलल लिया हूँ। तो 157 कहाँ पर आएगा, चलिए मैं ले रहा हूँ 157, 50 50, यहाँ पर कुछ 157 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 157 आएगा, 50 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे आएगा, ठीक है, 157 मैं ले लिया हूँ। अब क्या करूँगा, वृत्त से वृत्त के जो वर्टिकल लाइन था उसके फिर पैरेलल लूँगा, ठीक है, ये मैं ले लिया हूँ। अब इसको मैं बंद कर दूँगा, ठीक है, बंद कर दिया। उसके बाद फिर इसके पैरेलल लूँगा, इसे एक आयत में बंद कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसे एक आयत में बंद कर दे रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से ये बंद हो जाएगा, ठीक है, तो इसे मैं मिला दूंगा। तो ये मेरा आयत में बंद हो चुका है, ये हमारा वृत्त यानी इसी के राउंड अंदर ही घूमेगा, ठीक है। ये 1 राउंड के लिए हम लोग बना रहे हैं, यानी 1 राउंड के लिए, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन के लिए। तो मैं अब इसे क्या करूँगा, चूंकि मैंने वृत्त को 8 भाग में बांटा है, तो इस लाइन को सर्कमफ्रेंस को भी क्या करूंगा, 8 भाग में बांटने के लिए एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ 80 mm का, 10-10 mm के डिस्टेंस पे ले लूँगा, ठीक है, 80 mm का मैंने ले लिया, ठीक है। तो इसे हम 10-10 mm में डिवाइड कर देंगे, तो 10 10 10
दस 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 एंड दस, ठीक है, हो गया। अब मैं क्या करूँगा, बांटने से पहले हम इससे इसके पैरेलल सेंटर से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो देखिए सेंटर से होते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया हूँ, क्योंकि इसको मैं कर दिया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं इसे क्या करूँगा, इसके पैरेलल लेना है आपको, देखिए है ना, वृत्त के वृत्त का जो हमारा वर्टिकल लाइन था इसके पैरेलल लेना है आपको, उसका आपको इसे इक्वल भाग में बांटना है, सॉरी इधर से आपको बांटना है ना, इसे इक्वल भाग में बांटना है ना, तो आपको यहाँ से यहाँ आपको रखना है अपने इस रोल एंड रो को, और इसे यहाँ से ये यहाँ मिल गया, और यहाँ से ये यहाँ मिल गया, यहाँ से ये यहाँ मिल गया, ठीक है, और यहाँ से ये यहाँ मिल गया, और कुछ इस तरह। याद रखिएगा बिना रोल एंड रो का ये नहीं हो पाएगा, तो रोल एंड रो से ही कीजिएगा आप, तो कुछ इस तरह से आपका ये कंस्ट्रक्शन बन रहा होगा। तो मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसके पैरेलल लेना है, ठीक है, इसके पैरेलल लेना है। चलिए मैंने रोल एंड रो किसके पैरेलल लिया ना, देखिए इसके पैरेलल ले लिया हूँ। अब क्या करना है, इसको जो है सेंटर से जो हम लाइन खींचे थे, इसलिए हम लाइन बोला पहले खींच दिए थे, ये इस सेंटर से इस तरह मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ सेंटर से इस तरह मिल रहा है फ्रेंड्स, चलिए मैं मिला दे रहा हूँ सभी लाइन को, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं नेमिंग कर देता हूँ। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 8 हो गया, 8, ठीक। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं इसे भी नाम देता हूँ, इसे भी नाम दे देता हूँ, ये मान लेता हूँ C, ठीक है। ये हो गया C1 C2 C3 C4 C5 C6 एंड C7, C8 बाहर चल जाएगा इसलिए हम इसे नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारा काम क्या है, आपको इसके पैरेलल फिर लेना है, ठीक है। मैंने रोल एंड रो के इसके पैरेलल रखा, और देखिए इसके पैरेलल रखा ना, आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देना है। तो देखिए यहाँ से होते हुए, देखिए एक यहाँ पे लाइन है, ये लाइन से होते हुए एक लाइन इसके पैरेलल जाएगा, यहाँ से होते हुए एक लाइन इसके पैरेलल जाएगा, फिर यहाँ से होते हुए लाइन इसके पैरेलल या इसके पैरेलल जो भी कहिए, सब तो एक दूसरे के पैरेलल है। तो मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया हूँ बेस के पैरेलल, ठीक है। तो अब इसके पैरेलल भी लाइन ड्रॉ हो जाएगा। अब मैं इसे यहाँ तक मिला देता हूँ, मेरा रोल एंड रो छोटा है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं दोबारा करना पड़ रहा है हमें, ठीक है। तो कुछ इस तरह मिलेगा, ठीक है। तो मैं मिला दिया हूँ। उसके बाद हमारा क्या काम है, उसके बाद आपको चाप की जरूरत पड़ेगी। आपका रेडियस कितना था, 25, तो 25 ही रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप C1 पे रखिए चाप को, ठीक है, C1 पे रखिए। उसके बाद आप 1 वाले को कट कीजिए, सॉरी मैं सर्कल का नेमिंग करना भूल गया हूँ, सर्कल का भी नेमिंग करना है। तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ठीक है, 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड लास्ट 8, ठीक है, नेमिंग कर दिया। आपको क्या करना है, रेडियस लेना है, रेडियस जो हमारा था 25 ही रहने देना है आपको, ठीक है। तो 25 रही रेडियस है हमारा, है ना। आपको C1 पे रखना है, C1 पे रखे, और वन वाले लाइन जाते हुए जो वन वाले लाइन था उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो C1 पे रखे और कुछ इस तरह से ये ड्रॉ होगा, ठीक है। देखिए यहाँ कटा। अब C2 पे रखना है, आपको चाप 25 भी रखना है, चेंज नहीं करना है। अब C2 पे रखिए और 2 वाले लाइन को ड्रॉ कीजिए। देखिए 2 वाला लाइन कौन सा है, ये वाला है ना, देखिए 2 वाला लाइन कौन सा है, ये वाला हमारा 2 वाला लाइन हो गया। तो ये कुछ यहाँ पे ड्रॉ होगा, चाप कटेगा, ठीक है। अब 3 पे रखिए, 3 से लाइन गुजरते हुए कौन सा लाइन जा रहा है, ये वाला ना फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे कट होगा। फिर 4 से जाते हुए लाइन ये है, तो कुछ यहाँ पे ये
एग्जैक्ट एकदम कटेगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर फाइव से होते हुए फाइव का लाइन कौन सा आइए, देखिए फाइव इस तरह जा रहा है, फाइव भी कट हो गया। अब सिक्स, आप सिक्स से रखिए और सिक्स से लाप जाते हुए लाइन कौन सा आइए, ठीक है। और सेवन, सेवन से जाते हुए लाइन कौन सा है फ्रेंड्स, ये वाला है ना। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से क्या हो गया, कट चुका है। चाप चाप का प्रयोग मैं कर चुका हूँ। अब यहाँ से हमको क्या करना है, इसका कर्व खींचना है। तो मैं कर्व खींचने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। मैं कर्व स्केल से कर्व खींच रहा हूँ। आपके पास कर्व नहीं है तो आप फ्री हैंड भी खींच सकते हैं। तो हम फ्री हैंड भी खींच के दिखाएंगे आपको किस तरह हम खींचेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह से ये ड्रॉ होगा। अब देखिए मैं फ्री हैंड इस साइड कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा ये फ्री हैंड, थोड़ा फ्री हैंड इस तरह से कुछ होगा ड्रॉ। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो मैं कर्व खींच रहा हूँ ये बाकी सभी लाइन से क्या होना चाहिए, थिक होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसे मैं मोटा करने के लिए ब्लैक पेन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको तो बेसिकली पेन का यूज नहीं करना है, बट मैं क्योंकि बता रहा हूँ यहाँ, क्योंकि अगर जो मैं पेंसिल से हर एक पॉइंट को आपको बताऊँ तो शायद आपको ना दिखे, कैमरा में आपको ना दिखे, इसलिए मैं पेन का ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा कर्व रेडी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको किसी भी पॉइंट क्या बोल रहा था, टेंजेंट और नॉर्मल ज्ञात लेने के लिए, ठीक है। तो आप किसी भी पॉइंट क्या कीजिए, आप एक पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट को मैंने एम नाम दे दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, रेडियस लेना है, रेडियस ले लेना है, 25 था ना रेडियस, तो 25 ले लेना है। उसका जहाँ पे आप बिंदु माने थे वहाँ से होते हुए सेंटर वाली लाइन पे कहीं भी कट कर देना है। तो सेंटर लाइन पे एक ही जगह ना कट होगा, कहीं भी होगा तो एक ही जगह पे होगा। तो इस जगह पे मान लीजिए ये कट हुआ, ठीक है। तो आप क्या करना है आपको, इसके पैरेलल किसी भी लाइन के पैरेलल, मैंने इस लाइन के पैरेलल ले लिया, ठीक है, किसी भी लाइन के पैरेलल लीजिए आप, सब तो एक दूसरे के पैरेलल ही है, ठीक है। यहाँ से होते हुए एक इसके परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ कर देना है। तो देखिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हमारा हो गया एन यानी नॉर्मल, ठीक है। अब क्या करूँगा, एन से होते हुए जहाँ हमारा बिंदु था वहाँ से क्या करूँगा, ये खींच दूँगा, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया फ्रेंड्स, ये जो मैं अभी खींचा हूँ ये हमारा नॉर्मल हो गया। उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे आपको चांद की ज़रूरत होगी तो चांद लीजिए और यहाँ से 90 डिग्री खींच दीजिए, ये आपका टेंजेंट हो जाएगा। तो देखिए 90 डिग्री कुछ इस तरह से होगा फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, टेंजेंट। तो इसको आप लिख दीजिए TANGENT, टेंजेंट। तो फ्रेंड्स इस तरह देख रहे हैं आप, हमारा क्या हो गया, साइक्लॉइड रेडी हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।